हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ, वो भी एग्जाम्पल के साथ। रिपोर्ट पर मैं इससे पहले भी दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे आपको फॉर्मेट का आइडिया हो जाएगा। और ये आज मैं आपको विद एग्ज़ाम्पल बताने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्ट है वो आपको पास्ट टेंस में लिखना है, यानी कि इसमें आपको पास्ट के रूल्स जो हैं या वो इस्तेमाल करने हैं, यूज़ करने हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर जो रूल यूज़ होते हैं इसके अंदर टेंस से रिलेटेड या पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है टू प्रमोट, यानी बढ़ावा देने के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अच्छे खाने की आदतें, हेल्दी अमंगस्ट स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। वैभव पब्लिक स्कूल हस्तिनापुर, रिसेंटली इन्होंने हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड किया था, आयोजित किया था ए न्यूट्रिशन फूड एंड स्नैक्स कॉम्पिटिशन। द कॉम्पिटिशन वॉज ओपन था टू बोथ, दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी, यानी दोनों इस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। द पार्टिसिपेशन जो था वो वॉज वेरी एनकरेजिंग था, बहुत ही उत्साह वाला था या उत्साहवर्धक था। द फेमस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर शिखा शर्मा वॉज द चीफ गेस्ट थी, एज यानी के रूप में, अर्चना या अर्जुन के रूप में, द लोकल स्टूडेंट हो आप, रिपोर्टर हो फॉर द यंग इंडिया न्यूज़पेपर के लिए, राइट ए रिपोर्ट अबाउट दिस इवेंट इन 100 to 125 words, डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिपोर्ट ए कैची हेडिंग। तो इसमें आपको प्रोग्राम जो है, ये जो इवेंट है, ये आपको इसका जो हेडिंग है वो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ए न्यूट्रिशन फूड एंड स्नैक्स कॉम्पिटिशन, और चीफ गेस्ट जो हैं डॉक्टर शिखा शर्मा है। तो अब आपको इसको लिखना है, तो सबसे पहले रिपोर्ट में आपको हेडिंग देनी है, तो हमने हेडिंग दे दी, ये रहा न्यूट्रिशन फूड एंड स्नैक्स कॉम्पिटिशन, तो ये लिख दिया हमने ए न्यूट्रिशस फूड एंड स्नैक्स कॉम्पिटिशन। ये आप कैपिटल में भी ऐसे सारे दिखा सकते हैं, या फिर आपको कैपिटल में नहीं दिखाना तो आपका जो पहला लेटर है वो आपका कैपिटल में होगा, बाकी आप जो है स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको जो जगह थी, प्लेस जो था, वो लिखना है। प्लेस क्वेश्चन में देखो हस्तिनापुर दे रखा है, ये हमने लिख दिया हस्तिनापुर। फिर हमने डेट शो कर दी जिस दिन हम रिपोर्ट लिखेंगे, वो लिख दी हमने 5th मार्च, और 2018। और फिर रिपोर्टर कौन है, अर्चना लिख लो या अर्जुन लिख लो, तो हमने लिखा बाई अर्जुन, हमने रिपोर्टर का नाम भी दिखा दिया, शो कर दिया। अब हमें लिखना है रिपोर्ट, तो देखते हैं। तो जो भी प्रोग्राम होगा क्वेश्चन में, जो भी इवेंट होगा, जो भी जिस भी टॉपिक पर वो रिपोर्ट होगी, उसका हमें नाम स्टार्टिंग में लिखना है। देखो कैसे लिखा है हमने, ए न्यूट्रिशियस, यही आप लिख देंगे, ए न्यूट्रिशियस फूड एंड स्नैक्स कॉम्पिटिशन वॉज रिसेंटली, हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। क्वेश्चन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन में आएगा, ऑर्गेनाइज्ड आएगा या सेलिब्रेटेड आएगा या फिर कंडक्ट आएगा या फिर अरेंज्ड आएगा या फिर हेल्ड आएगा, तो जो भी क्वेश्चन में होगा इसमें ऑर्गेनाइज्ड ही लिखा हुआ था, तो हमने ऑर्गेनाइज्ड ही लिख दिया। कब किया गया, ऑन 3rd मार्च, यहाँ पे हम 5th मार्च दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हम लिख रहे हैं रिपोर्ट वो उस दिन की हम यहाँ पे डेट शो करेंगे, और यहाँ पे हम एक दो दिन पहले की दिखाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो पास्ट में बनती है, इस वजह से ये लिखी जाती है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये कहीं पर हो चुका होगा, उसी के बाद हम 5 को ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑन 3rd मार्च हमने डेट शो कर दी, कहाँ पे हुआ था, इन स्कूल हॉल में हुआ था, हमने प्लेस या वेन्यू भी शो कर दिया, किसके द्वारा हुआ था, बाई वैभव पब्लिक स्कूल के द्वारा हुआ था। फिर आगे हमने लिखा द कॉम्पिटिशन वॉज इनोग्रेटेड बाई दी चीफ गेस्ट, जो कॉम्पिटिशन था उसको इनोग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था बाई दी चीफ गेस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा द्वारा, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन है। आगे है दिस कॉम्पिटिशन, ये जो कॉम्पिटिशन है स्टार्टेड हुआ, शुरू हुआ विद के साथ, अराइवल पहुंचने के साथ ही, ऑफ दी चीफ गेस्ट के एट अराउंड लगभग 9 AM पर, 9 बजे। फिर हमने लिखा द कॉम्पिटिशन जो था वॉज ओपन था टू बोथ, दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी, ये लाइन हमने क्वेश्चन में से चुरा ली है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। द पार्टिसिपेशन जो था वो वॉज वेरी एनकरेजिंग था, ये भी लाइन हमने क्वेश्चन में से चुरा ली।
अब आते हैं आगे। फिर हमने लिखा द मेन पर्पज, जो मेन पर्पज था, जो मुख्य उद्देश्य था ऑफ दिस कॉम्पिटिशन का, वॉज टू प्रमोट, वो बढ़ावा देना था हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चों के बीच में। तो कोई भी जो भी प्रोग्राम होता है, एग्जीबिशन होती है, इवेंट होता है, सेमिनार होता है, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो आप लिख देंगे जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। फिर हमने लिखा ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी भारी संख्या में बच्चों ने, एंड देयर पेरेंट्स ने, उनके माँ बाप ने, टुक पार्ट, भाग लिया इन दी कॉम्पिटिशन में। ए वराइटी ऑफ डिलीशियस फूड, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक या फिर शानदार भोजन, वॉज प्रिपेयर, तैयार किए गए। उसके आगे हम लिखेंगे फिर हम लिख रहे हैं इट बिकेम डिफिकल्ट, ये बिकेम मतलब होना, ये हो गया डिफिकल्ट, मुश्किल हो गया फॉर दी जजेस के लिए टू डिसाइड कर पाना, निश्चय कर पाना विच वन वॉज दी बेस्ट, किसका या कौन सा वाला बेस्ट था, यानी पेरेंट्स का जो बनाया गया खाना था वो अच्छा था या बच्चों वाला। आफ्टर द कॉम्पिटिशन वॉज ओवर, जब कॉम्पिटिशन ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, तो डॉक्टर शिखा शर्मा जो चीफ गेस्ट थी, उन्होंने डिलीवर्ड किया स्पीच, उन्होंने दी ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे। अब चीफ गेस्ट आता है तो वो स्पीच वगैरह लेक्चर वगैरह देता ही है, तो वही उन्होंने दिया, और किस पर दिया, ऑन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे दिया। विच हैज़ मैजिकल इम्पैक्ट, जिसका जादुई प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा ओवर द स्टूडेंट्स पर भी एज वेल एज उसके साथ साथ पेरेंट्स पर भी। शी कंडेम, उसने कंडेम किया, निंदा की, बुराई की, द ग्रोइंग क्रेज, जो बढ़ता हुआ क्रेज है, फैशन है फॉर फास्ट फूड के लिए, जंक फूड के लिए, एंड कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। एट लास्ट, अंत में द प्रिंसिपल जो थे ऑफ द स्कूल के, उन्होंने थैंक किया, धन्यवाद दिया डॉक्टर शिखा शर्मा को ऑन बिहाफ ऑफ द होल स्टाफ, सारे स्टाफ की तरफ से एंड द स्टूडेंट्स की तरफ से। सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों से, हु वर आस्क, जिनसे पूछा गया, टोल्ड दैट, उन्होंने बताया कि इट वॉज फुल ऑफ एजुकेटिव, ये जो प्रोग्राम था वो फुल ऑफ एजुकेटिव था, शिक्षा से भरा हुआ था, एंड अवेयरिंग था, जागरूकता भरा था फॉर देम, उनके लिए। द पर्पज़, यानी जो उद्देश्य था, फॉर विच, जिसके लिए, इट वॉज ऑर्गेनाइज, इसको आयोजित किया गया था, सीम टू बी, वो प्रतीत हो रहा था या वो लग रहा था गेटिंग कम्प्लीटेड, पूरा होता नजर आ रहा था, क्योंकि जो भी इसका उद्देश्य था इस इवेंट को मनाने का, ऑर्गेनाइज करने का, सारे लोग आए थे, सभी ने पार्टिसिपेशन में भाग लिया, तो इसका मतलब ये पूरा होता हुआ सफल नजर आया और सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट लिखते हैं, इसमें से एंड में कैसे प्रिंसिपल ने धन्यवाद दिया, चीफ गेस्ट ने क्या लेक्चर या स्पीच दी, और स्टार्टिंग में आपको प्लेस, डेट और वेन्यू जो भी है, और किसके द्वारा, यानी कि स्कूल के द्वारा, क्लब के द्वारा, जो भी वो चीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, या हेल्ड की जाती है, अरेंज की जाती है, वो आपको मेंशन करना है। अब आते हैं कि रिपोर्ट में हम रूल कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपको इसमें पास्ट टेंस, जैसा कि मैंने बोला था कि रिपोर्ट को लिखते हुए आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है, तो आपको टेंस के ये रूल पता होने चाहिए, सब्जेक्ट, वॉज, वर, फिर ऑब्जेक्ट, और जो हिंदी होती है कुछ ऐसी होती है, था, थे, थी, और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी कुछ ये होती है, ता, था, ते, थे, ती, थी, या आ, ए, ई, की, दी, ली, और ये है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, तो वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, रहा था, रहे थे, रही थी, और ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, आ था, ए था, ई थी, की थी, दी थी, ली थी। तो आपको टेंस आने चाहिए ताकि आप अच्छे से कर सकें, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ यही रूल आप करेंगे, इससे बाहर कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इन्हीं रूल्स के बेस पे आप रिपोर्ट अच्छी खासी लिख सकते हैं। फिर पैसिव वॉइस के कुछ ये रूल हैं, तीन, सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, फिर सब्जेक्ट, वॉज, वर, बींग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है,
और ये हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव है इसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसी के तरीके से, और एक दो और मैं कुछ तरीके से लिख दूंगा रिपोर्ट, तो आप आसानी से रिपोर्ट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।